हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं दोस्तों जानता हूं कि ये वीडियो देखने वाले ऐसे क्रिएटर होंगे जिनका कि अभी चैनल ग्रो नहीं हुआ होगा, इसलिए गाइज मैं पहले आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूं एंड उसके बाद बात करूंगा मेन टॉपिक पर कि आखिर मैंने ऐसा कैसे किया, 3 दिन में चैनल को ग्रो कैसे किया। गाइज यहां पर मैं आप लोग को लेके चलता हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूं, ठीक है, और उसके बाद ही मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैंने कैसे किया, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहां से मैं चलता हूं यूट्यूब पर और यूट्यूब पर मैं चैनल में लेके चलता हूं, मेरा एक चैनल है जिसका नाम है गाइज YT क्रिएटर हब, ठीक है। यहां पर गाइज मैं उस चैनल पर आप लोग को दिखाता हूं, मात्र 3 दिन से मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया और मेरा चैनल को मैंने ग्रो कर दिया, और उसका पहले का भी मैं फुटेज दिखाऊंगा कि 3 दिन पहले मेरा YT स्टूडियो कैसा था। चलिए दोस्तों यहां पर मैं वीडियो पर लेकर चलता हूं, ठीक है, और यहां देखो स्क्रॉल करते के साथ मात्र 21 वीडियो है यहां पर आप लोग को ऊपर में दिख जाएगा, देखो 21 वीडियो है मात्र, ठीक है। और 21 वीडियो में से देखो कब से मैंने स्टार्ट किया वीडियो डालना, देखो माय फर्स्ट वीडियो यहां 3 दिन से मैंने स्टार्ट किया। गाइस 3 दिन से मैंने स्टार्ट किया वीडियो डालना और देखो मेरा चैनल कैसा, भाई अभी YT स्टूडियो लेके चलता हूं तब आप लोगों को मालूम चलेगा कैसा एकदम हो गया। देखो इधर से मैं चलता हूँ YT स्टूडियो पर लेके, और इधर गाइज आप लोग देख सकते हो कि 3 दिन में, यहाँ पर अभी आप लोग देख पा रहे हो मेरा फेस कैसा है चैनल का, 3 दिन में 6000 टोटल व्यूज़ मैंने कलेक्ट किए हैं, और 6000 व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं भाई नया चैनल के लिए। अभी एनालिटिक पर मैं ले करके चलूँगा ना, देखो 3 दिन से पहले कैसा था भाई ग्राफ, देखो कैसा था, नीचे एकदम डाउन, 3 दिन बाद अचानक बूस्ट किया भाई, देखो इधर दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। देखो इधर डायरेक्ट 2000-3000 डेली का व्यूज़ आने लगा, कैसे आखिर, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को अभी लेके चलता हूँ, पहले ऑडियंस में लेके चलता हूँ और अभी मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो 3 दिन में 115 प्लस सब्सक्राइबर्स मैंने गेन किए, ठीक है। अभी मैं आप लोग को एक मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो वाला किधर है वीडियो, हाँ इम्प्रेशन भाई देख सकते हो 3 दिन पहले मेरा क्या था, एकदम प्लेन, एकदम लाइन प्लेन है। 3 दिन के बाद जो मेरा चैनल ग्रो किया ना अचानक, ऐसा क्यों? तो अब गाइस मैं आप लोग के साथ डिटेल्स में बात करता हूँ कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ और अब आप लोग कैसे कर पाओगे। तो गाइस एक चीज जानते हो, मार्केट में आप लोग जब भी जाते हो कुछ खरीदने के लिए तो देखना दोनों तरफ अगर दो दुकान है कहीं पर, ठीक है, कुछ खाने के लिए जा रहे हो, मान लो समोसा खाने जा रहे हो और दो दुकान है, तो बताओ आप दोनों दुकान में से किस दुकान पर जाओगे? ऑब्वियसली बात है गाइस, जिस दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ रहेगा उस दुकान पर आप जाओगे समोसा खाने के लिए। आपका माइंड में ये आएगा कि अच्छा उस दुकान में सबसे ज्यादा बिक्री है, मतलब वो दुकानदार बढ़िया बनाता है, फ्रेश देता होगा, सब कुछ सही है। जबकि ऐसा कोई मैटर ही नहीं करता, बगल वाला फ्रेश भी दे रहा होगा तो फिर भी उसका दुकान कोई नहीं जाएगा अगर उसका दुकान में भीड़ नहीं है तो। जिसका पास भीड़ रहता है उसका पास ही जाता है, मतलब बोला जाता है ना कि पैसा पैसे को खींचता है, वैसा वाला सीन हो जाता है। अब गाइस आप लोग जानते होंगे कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी जब कुछ घर बनाता या फिर गाड़ी लेता तब गाइस वो पहले से ही क्यों स्टोरी वगैरह बहुत ज्यादा हल्ला करता है, क्योंकि गाइस वो एक हाइप क्रिएट करता है, वो एक माहौल बना देता है वैसा ही टाइप का। अब गाइस मैंने ये चैनल को कैसे ग्रो किया अब वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। तो गाइस अगर मेरा चैनल आप लोग पहले देखोगे तो पहले के मुताबिक गाइस मेरा चैनल एकदम डाउन था, मैं चैनल पे बिल्कुल काम नहीं करता था। लेकिन गाइस उस चैनल पे मैंने काम करने से पहले, अभी तो मेरा चैनल ये मोनेटाइज है जो आप लोग को मैंने दिखाया, ठीक है, 50 रुपया साथ बना भी होगा 3 दिन में, लेकिन गाइस आपका अर्निंग भले ही नहीं होगा लेकिन इतना व्यूज आपका आ जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। तो गाइस देखो चैनल आपका जब भी आप मतलब काम करो, देखो मैंने कैसे किया गाइस, मैंने वीडियो डालने से पहले थोड़ा सा हाइप बना दिया कि इस चैनल पर अब कंटिन्यू काम होगा, और कंटिन्यू काम करने से पहले मैंने वीडियो बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया जो वीडियो अभी मेरा पोस्ट हो रहा। और अगर आप लोग YT क्रिएटर हब पर जाकर के चेक करोगे ना तो हर 3 घंटा में एक एक वीडियो आप देख पाओगे, सुबह मॉर्निंग 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक, आप लोग नोटिस कर लेना। अगर आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा तो कल ही आप लोग चेक कर लेना जाके, ठीक है, हर 3 घंटे में एक एक वीडियो। और अभी भी अगर जाकर चैनल में देखोगे तो देखना आप 3 घंटे पहले, फिर 6 घंटे पहले, फिर 9 घंटे पहले, ऐसा ही आपको वीडियो दिखेगा। अब गाइस मैंने उसको किया क्या, तो मैंने स्टोरी, व्हाट्सएप, जहां था हर जगह मैंने फैला दिया। अब लोगों को यह लगा कि यह बंदा बोल तो रहा कंटिन्यू काम करेगा, क्या यह बंदा कर पाएगा कंटिन्यू? अब इसको देखने के लिए भले लोग मुझे सब्सक्राइब करके नहीं रखे लेकिन लोग जा करके एक बार चेक जरूर कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग को क्या करना है देखो बता देता हूं, जब भी आप लोग नया चैनल पर काम करने स्टार्ट करो आप लोग खाली मेरा बात को ध्यान से सुनना, अगर आपका चैनल ना ग्रो हुआ ना तो आप लोग मुझे यूट्यूबर तो छोड़ ही दो यार, यूट्यूबर क्या बोलोगे, आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मैं एकदम
दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मेरा बोला हुआ बात पर आप लोग काम कर गए ना, तो 3 दिन में जैसा मेरा चैनल को एकदम भाई कैसा मतलब नक्शा ही चेंज कर दिया। आफ्टर बिफोर आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा, वैसे गाइस आपका भी चैनल चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हवा बना दो, अगर इंस्टाग्राम है व्हाट्सअप है सब जगह बना दो कि मैं ये ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ, इस तारीख से बनाने वाला हूँ। अब गाइस आपको क्या करना है, उससे पहले कम से कम 25 से 30 वीडियो आपको रेडी करके रख लेना है, और ऐसा ऐसा टॉपिक पर रेडी कर लेना ना जो मार्केट में थोड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पर। अब गाइस क्या करना है, 25 से 30 वीडियो पहले रेडी कर लो, उसके बाद हवा बना दो कि मैं इस काम को अब करने वाला हूं। भले आपका कोई दुश्मन भी रहे ना, आपको सब्सक्राइब ना करे, लेकिन गाइस वो चेक करने के लिए आपका चैनल पे जरूर जाएगा बिना सब्सक्राइब में ही। इतना दम होता है भाई, एक मतलब हवाबाजी का इतना दम होता है। अब गाइस क्या करना है कि आपको वीडियो पोस्ट करते जाना है, एक बाय एक, 6 घंटा 3 घंटा बाद एक बाय एक करते जाओ, और अच्छा से SEO करके करते जाओ। लेकिन उसका बाद आपको क्या करना है, जब वीडियो पोस्ट करो तो कम से कम 4 से 5 Gmail ID में चैनल बना हुआ आपका रहना चाहिए अपना। क्योंकि गाइस एक होता ना कि रॉकेट को भी बूस्ट देने के लिए थोड़ा बारूद का जरूरत पड़ता है, वैसा ही बारूद आपका खुद का देखा हुआ वीडियो काम करेगा। जैसे हम लोग रॉकेट लॉन्च होते हुए देखे हो ना, तो पहले नीचे से एक बारूद जल के जाता है, फिर ऊपर, वैसा करके सेक्शन में बटा होता है। तो आपके चैनल पर पब्लिक आने के लिए पहले पब्लिक थोड़ा सा आपको भी ठेलना पड़ेगा भाई। जैसे होता ना कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा तो ठेल रहे, तो आपका चैनल भी अगर बंद हो गया, डेड चैनल हो गया, या फिर चैनल नया बनाया हो तो आपका भी गाड़ी चल नहीं रहा, तो थोड़ा सा धक्का आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, वो एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। ये नहीं कि छोड़ दिए और चल रहा भाई किसी भरोसे, वैसा नहीं। आपको क्या करना, 4 से 5 Gmail ID आपके घर वालों के फ़ोन पे या फिर आप ही का फ़ोन पे है, लेकिन अपना चैनल से नहीं, कुछ दूसरा यूट्यूब चैनल से 4-5 चैनल से देख लो, और 5 को कमेंट कर दो, क्या जाता है भाई फर्क, नाइस लिख दो, नाइस कंटेंट, 5 को कमेंट कर दो, थोड़ा सा बूस्ट वहाँ से मिल जाएगा यूट्यूब से, ठीक है, थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा तो 5-10 लोगों तक जाएगा। अब कंटेंट अगर सही आपने बनाया तो आपका वीडियो बूस्ट हो जाएगा, और ऐसे ही करके गाइस आपका चैनल चल जाएगा, और ऐसे ही करके गाइस पूरा मार्केट भी चल रहा है आज के डेट पे। अगर आप लोग कहीं देखोगे हाइप बहुत ज़्यादा बन जाता, मान लो कोई बड़ा यूट्यूबर भाई गाड़ी ले रहा है, या फिर कोई बड़ा यूट्यूबर घर बना रहा है, तो पहले से ही वही स्टोरी में बहुत ज़्यादा हाइप रहता है, और उसके बाद जब घर वाला वीडियो छोड़ा जाता है यूट्यूब पर, तो सबका हाइप एक बना रहता ना भाई, घर बना रहा था इतना दिन से, कैसा घर बनाया। तो वैसा ही चीज गाइस मैटर करता सोशल मीडिया पर। कैसा लगा दोस्तों आप लोग को मेरा आइडिया, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं और एक वीडियो लाने वाला हूँ इसके ऊपर कि बहुत से ऐसे प्रोफेशनल एडिटर आज के डेट पर काम नहीं मिल रहा उनको, तो उनको काम कैसे मिलेगा इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट करना, यहाँ तक अगर वीडियो देखे हो तो बताना कि क्या मैं वो वीडियो लाऊं जो प्रोफेशनल एडिटर को भी आज का डेट में काम नहीं मिल रहा, तो उनको काम कैसे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।